गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. तो आज जेई मेंस का जो पेपर हुआ है, आज 8 जनवरी है ना. तो 8 जनवरी का जो मेंस का पेपर हुआ है, उसमें पहले शिफ्ट का हम लोग फिजिक्स का पेपर डिस्कस करने वाले हैं. जो पहला क्वेश्चन है वो ग्रेविटेशन से रिलेटेड है. ग्रेविटेशन में हम लोग एक थ्योरी पढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिसमें अर्थ का रोटेशन कंसीडर किया जाता है. अर्थ के रोटेशन की वजह से ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो थोड़ा सा एक्चुअल वेट से कम दिखता है, है ना. तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. इसमें कहा गया है, इफ़ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट पोल इज 196 न्यूटन, देन वेट एट इक्वेटर इज, ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं. जी का वैल्यू दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रेडियस ऑफ अर्थ जो है 6400 किलोमीटर, है ना. एक्चुअली में जो वेट का वेरिएशन होता है वो दो कारणों से होता है. एक तो रेडियस की वजह से, रेडियस चेंज होता है तो जी चेंज हो जाता है ना. हमें पता है कि अर्थ जो है एक्चुअली में स्फेरिकल नहीं होता है ना. तो इक्वेटर पर रेडियस जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, पोल पर रेडियस थोड़ा छोटा होता है, उसकी वजह से जी के में वेरिएशन आता है. जी चेंज होता है तो वेट चेंज हो जाता है. लेकिन इस क्वेश्चन में जी का वैल्यू हमें फिक्स्ड कर दिया गया है ना. मतलब कि हमें अर्थ को स्फेरिकल मान करके ही चलना है, रेडियस को फिक्स्ड मान करके चलना है, ठीक. तो दूसरा क्या कारण हो सकता है वेट चेंज होने का? दूसरा कारण हो सकता है कि अर्थ का रोटेशन कंसीडर करना है. तो जब हम लोग अर्थ का रोटेशन कंसीडर करते हैं, सपोज ये जो है नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो दोनों को मिलाएंगे तो ये एक्सिस हो गया. इस एक्सिस के अबाउट अर्थ जो है वो रोटेशन करता है, जो डे नाइट वाला रोटेशन होता है ना. तो इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, जो कि ये इक्वेटर है ना, ये इक्वेटोरियल लाइन है, हॉरिजॉन्टल यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं. तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट अगर हमें निकालना होता है अल्फा एंगल पर, तो ये जो एन है इसकी वैल्यू आती है एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर अल्फा. तो चूंकि इस क्वेश्चन में इक्वेटर पर पूछा गया है ना, तो इक्वेटर पर अल्फा का वैल्यू 0 रखेंगे और पोल पर 90 डिग्री होता है ना. एट पोल एन इज इक्वल टू, मतलब पोल पर अगर देखना हो तो अल्फा का वैल्यू हम लोग यहाँ से रखेंगे 90 डिग्री, ठीक. तो एन जो होगा पोल पर वो आ जाएगा एम जी के इक्वल, क्योंकि अल्फा का वैल्यू 90 रखते ही ये 0 हो जाता है ना. अगर हम बात करें इक्वेटर की, तो इक्वेटर पर अल्फा का वैल्यू 0 हो जाएगा. तो इक्वेटर पर जो वेट आएगा इस फॉर्मूले से वो आएगा एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, है ना. तो ये जो एन पी है, एन पी यानी कि एम जी, ये 196 न्यूटन दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना. तो ये हो जाएगा 196 न्यूटन माइनस एम, एम क्या है, वेट में जी से डिवाइड कर देंगे. तो वेट तो इतना है, इसमें जी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 10, तो हम लोग एम को लिखेंगे वेट डिवाइडेड बाई 10. ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2π/टाइम पीरियड, है ना. तो 2π डिवाइडेड बाई जो टाइम पीरियड होता है अर्थ का रोटेशन का, डे नाइट वाला, वो 24 आवर होता है. तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 24 आवर इंटू 60 × 60 सेकेंड, इसका होल स्क्वायर इंटू रेडियस ऑफ अर्थ. रेडियस ऑफ अर्थ देखेंगे 6400 किलोमीटर दिया गया है, तो इसको हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 6400 किलोमीटर इंटू 10³ कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, है ना. इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 195.32 के आसपास आ रहा है ना. तो देखेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है वो थर्ड वाला ऑप्शन अपना मैच कर रहा है ना. तो ये करेक्ट ऑप्शन है. अगले क्वेश्चन पर आते हैं. ये जो है क्वेश्चन नंबर करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, जिसमें किसी हाउस में कहा गया है कि 15 बल्ब ऑफ 45 वाट, 15 बल्ब ऑफ 100 वाट, 15 बल्ब ऑफ 10 वाट एंड 2 हीटर्स ऑफ 1000 वाट जो है वो यूज किए जाते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 220 वोल्ट है, मतलब कि ईच कनेक्टेड टू 220 वोल्ट मेन सप्लाई. हमें पता है कि घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज किए जाते हैं,
जो जोड़े जाते हैं वो सारे पैरेलल में होते हैं, है ना, सारे पैरेलल में होते हैं, तो सबका करंट अगर हम फाइंड करके अगर ऐड कर दें तो टोटल करंट निकल सकता है, है ना। एक्चुअली में क्या होता है इसमें, मतलब कि जितने भी अप्लायंसेज होते हैं, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इस तरह से सारे अप्लायंसेज हैं, है ना। तो अगर मुझे टोटल करंट यहाँ से निकालना है, जैसे कोई फ्यूज लगाना है, फ्यूज तो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं, मेन जो स्विच होता है वहाँ पर होता है फ्यूज, तो इस फ्यूज से होकर के कितना करंट जाएगा, वो टोटल करंट जो आई है वो ये इनके करंट के सम के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तो 15 बल्ब ये हो गया, 15 ये हो गया, 15 45 बल्ब्स हैं और दो हीटर हैं, सारे पैरेलल में हैं, तो सबका करंट फाइंड करके हम लोग जोड़ देते हैं तो टोटल करंट आ जाएगा, है ना। टोटल करंट कैसे निकालेंगे, जैसे अगर यहाँ पर ये दिया गया है पावर और वोल्टेज जो है 220 है, तो ये वाला जो 15 बल्ब है उनमें से एक बल्ब से कितना करंट जाएगा, 45 डिवाइडेड बाई 220, एक बल्ब से इतना करंट जाएगा। वैसे 15 बल्ब हैं तो मैं 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक, प्लस। उसके बाद अगला वाला सेक्शन में आते हैं, अगले वाले में 100 वाट के बल्ब यूज किए गए हैं, तो एक बल्ब से कितना करंट जाएगा, 100 वाट डिवाइडेड बाई 220 वोल्ट। ऐसे भी 15 बल्ब हैं तो एक बल्ब से इतना है, तो 15 बल्ब से कितना होगा, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। उसके बाद आते हैं तीसरे वाले, तीसरे वाला जो है वो 10 वाट के बल्ब हैं, तो एक बल्ब से कितना करंट जाएगा, 10 वाट डिवाइडेड बाई 220 वोल्ट। एक बल्ब से उतना करंट जा रहा है, यहाँ पर 15 बल्ब हैं ये भी, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ये जो हीटर है, एक हीटर का जो पावर है 1000 वाट है, है ना। तो एक हीटर से कितना करंट जाएगा, 1000 वाट पावर डिवाइडेड बाई वोल्टेज 220, है ना। और ऐसे दो हीटर हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। ये सारे करंट आप जोड़ेंगे तो ये टोटल करंट जो है वो करीब 19.66 एम्पियर आ रहा है, है ना। तो इसके अप्रोक्सीमेट में जो आंसर देखेंगे वो 20 एम्पियर ऑप्शन में दिया गया है ना, 5 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 और 15, तो उसके आसपास में जो ऑप्शन है वो है 20 एम्पियर वाला, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये जो क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है और स्पेशली इक्विलिब्रियम वाला जो क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, है ना। क्वेश्चन में कहा गया है ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4 मीटर, ये लेंथ दिया गया है और ये उसका मास दिया गया है। व्हेन पुल्ड बाय अ फोर्स एफ अलोंग हॉरिजॉन्टल फ्रॉम मिड पॉइंट अपर हाफ ऑफ द स्ट्रिंग मेक्स 45 डिग्री विथ वर्टिकल देन फाइंड वैल्यू ऑफ एफ, है ना। तो क्वेश्चन ये है कि पहले एक स्ट्रिंग था कुछ इस तरह से और यहाँ से एक ब्लॉक लटकाया गया था 10 kg का, जब इसको बीच में से पकड़ करके हम एक एफ फोर्स लगाते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है, ये फोर्स हो गया एफ और ये जो है ये वेट है 10 kg का, तो अपर हाफ जो है, अपर हाफ मतलब ये वाला स्ट्रिंग वर्टिकल से 45 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर इसमें टेंशन टी है, ये जो है एक तरह से जॉइंट हो गया, यहाँ पर हमने एक फोर्स लगाया एफ, इधर 10 kg का फोर्स है, 10 kg का मास है, तो वेट हो जाएगा 10 g, है ना। ये जो टेंशन है इसको रिजोल्व कर देते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर ये जो जॉइंट है वो इक्विलिब्रियम में होगा, तो टी का कॉम्पोनेंट इधर आएगा टी कॉस 45 और इधर आएगा टी साइन 45, है ना। तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम से कहा जा सकता है कि टी कॉस 45 ऊपर वाला और नीचे 10 g इक्वल होंगे, और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम से कह सकते हैं कि टी साइन 45 जो है वो एफ के इक्वल होगा, है ना। तो अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं, है ना, जैसे नीचे वाले को ऊपर से डिवाइड करता हूं, सपोज ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, मैं 2 को 1 से डिवाइड करूंगा, तो
तो इधर आएगा एफ डिवाइडेड बाई 10 जी है ना, और इधर आएगा साइन 45 बाई कॉस 45 जो कि आ जाएगा टेन 45। टेन 45 चूंकि 1 होता है तो एफ का वैल्यू भी 10 जी आएगा यानी कि 100 न्यूटन आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मोमेंट ऑफ एनर्शिया से रिलेटेड है। एक डिस्क है जिसका मास डेंसिटी जो है वो वेरी कर रहा है, सरफेस मास डेंसिटी वेरिएबल है, तो उसका मोमेंट ऑफ एनर्शिया हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन में कहा गया है द सरफेस मास डेंसिटी ऑफ ए डिस्क ऑफ रेडियस ए, इसका रेडियस ए है, वेरीज विथ रेडियल डिस्टेंस एज सिग्मा इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू आर। आर क्या है, सेंटर से रेडियल डिस्टेंस है ना, उस पॉइंट का जहाँ पर हमें डेंसिटी पता करना है। वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स देन मोमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये चार ऑप्शंस दिए गए। तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर चूंकि इसका मास डेंसिटी वेरी कर रहा है ना, इसका टोटल रेडियस तो है ए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि स्मॉल आर रेडियस का और डी आर थिकनेस का एक एलिमेंट्री रिंग लेते हैं है ना। पहले इस रिंग का मोमेंट ऑफ एनर्शिया कैलकुलेट करेंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे है ना। तो ये जो रिंग है, इस रिंग का पहले मास निकालते हैं, मास कितना होना चाहिए, सिग्मा इंटू इसका एरिया। सिग्मा होता है सरफेस मास डेंसिटी यानी कि मास पर यूनिट एरिया, तो मास पर यूनिट एरिया ये है, तो इस रिंग का जो एरिया है, जो शेडेड एरिया है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मास आएगा है ना। ये जो सरकमफेरेंस है इसको अगर आप सीधा करेंगे ऐसे, तो इस सरकमफेरेंस का टोटल लेंथ आएगा 2πr और इसका जो थिकनेस है वो है dr। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एरिया है वो होगा 2πr लेंथ इंटू विड्थ dr। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, पहले तो सिग्मा का वैल्यू रखूँगा यहाँ पर, यहाँ से सेंटर से r डिस्टेंस पर जो सिग्मा है वो बताया गया है a प्लस बी इंटू आर है ना, a प्लस बी इंटू आर, और ये जो एरिया आया है वो है 2πr dr। ये तो हो गया मास इस रिंग का। हमें पता है रिंग का जो मोमेंट ऑफ एनर्शिया होता है वो होता है एम आर स्क्वायर यानी उसका मास, इस एलिमेंट का मास dm है और उसका रेडियस r है, तो मास इंटू आर स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ एनर्शिया इस रिंग का हो गया। हमें ऐसे इसमें हजारों रिंग लेने होंगे, ऐसे एलिमेंट्री रिंग, एक रेडियस जीरो भी होगा, जीरो से रेडियस बढ़ाते जाएंगे, ए रेडियस तक के रिंग का मोमेंट ऑफ एनर्शिया निकालेंगे, सारे रिंग का मोमेंट ऑफ एनर्शिया को निकाल करके ऐड करेंगे। ऐड करने का काम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेगा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो डी एम का वैल्यू है वो रखेंगे यहाँ पर ए प्लस बी इंटू आर 2πr dr, ये तो dm हो गया इंटू आर स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर r वेरिएबल है तो r का वैल्यू 0 से a तक वेरी कराएंगे है ना। तो इसमें कुछ कांस्टेंट टर्म है जैसे कि है 2πi है ना, 2πi कांस्टेंट है और इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं 2πi इंटू a से है ना, 2πi इंटू ए कॉन्स्टेंट है, अलग कर देते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा r क्यूब इंटू डी आर प्लस 2πi इंटू बी इंटू यहाँ पर आएगा r पावर 4 डी आर। फिर इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे, ये 0 से a तक और ये भी 0 से a तक, तो ये हो गया 2πi a, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा r पावर 4 बाई 4 और लिमिट रखेंगे तो आएगा a पावर 4 बाई 4 प्लस इसका आएगा 2πi b इंटू r पावर 4 का इंटीग्रेशन आएगा r पावर 5 बाई 5, लिमिट रखेंगे तो आएगा a पावर 5 बाई 5 है ना। ये मोमेंट ऑफ एनर्शिया आ गया, तो इसमें से हम लोग कुछ जो है वो कॉमन ले सकते हैं, 2πi इंटू ए पावर 4 ये जो है ये कॉमन लिया जा सकता है।
टू पाई ए पावर फोर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ए बाई फोर प्लस बी इंटू ए बाई फाइव, है ना। तो देखेंगे ये जो ऑप्शन है इसमें पहला ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, ए बाई फोर प्लस बी ए बाई फाइव टू पाई ए पावर फोर, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अगला जो क्वेश्चन है आप देखेंगे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, है ना, और ये फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम्पल है। इसमें कहा गया है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स इज 0.15 मिलीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इज 1.5 मीटर एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 589 नैनोमीटर, देन फाइंड द फ्रिंज विड्थ, है ना। ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें हमें क्या करना है कि जो फ्रिंज विड्थ होता है उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी, है ना। तो ये वैल्यू रखने हैं, बस ये फॉर्मूला जो है इसमें वैल्यूज को फिट कर देना है। इतना सिंपल ये जो क्वेश्चन है, लैम्डा का वैल्यू दिया गया 589 नैनोमीटर, है ना, अगर एक जीरो लगा दें तो ये एंगस्ट्रम में हो जाएगा, तो इतना एंगस्ट्रम का मतलब हो गया 10^-10 मीटर। अच्छा ये जो डी है सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, ये दिया गया 1.5 मीटर, और स्मॉल डी होता है सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स जो कि दिया गया है 0.15 मिलीमीटर, इसको भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 10^-3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये जो है ये अप्रोक्सीमेटली आएगा, मतलब कि ये ऐसे समझ सकते हैं 5.89 × 10^-3 मीटर आएगा, तो ये हो गया करीब 5.89 मिलीमीटर। और ऑप्शन में देखेंगे तो इसके आसपास एक ऑप्शन है 5.9 मिलीमीटर का, है ना, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है 5.9 मिलीमीटर दिया गया है, तो ये जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है।